नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के माध्यम से आयोजित की गई पीसीएसपी परीक्षा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज की तारीख में परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब परीक्षा को लेकर कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि आपके काम की हैं, उन्हीं को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। किसी भी परीक्षा के समाप्त होने के बाद में सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिलता है, उस पेपर के पैटर्न के बारे में देखने के लिए मिलता है। और पीसीएस का पेपर का पैटर्न कैसा होगा, इसको बताने की आपको आवश्यकता तो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के सामने अच्छा पैटर्न ही देखने के लिए मिलेगा। बस शर्त है कि आपने तैयारी अच्छी की हो। अगर बात कीजिए पीसीएस के पेपर के पैटर्न के बारे में, तो इस बार जो पीसीएस का पेपर का पैटर्न है, मॉडरेट से लेकर टफ देखने के लिए मिला है। अगर हम टफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझते हैं कि हार्ड है। हार्ड उनके लिए हो सकता है जिन्होंने थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन कम की होगी, लेकिन मॉडरेट उनके लिए है जिन्होंने सच में पीसीएस पेपर के पैटर्न को लेकर शिद्दत से अपनी प्रिपरेशन की होगी, उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए कुछ अभ्यर्थियों से जब वार्ता की गई, तो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी लगातार सिर्फ पीसीएस को टारगेट बनाकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए तो कहना है कि पेपर का पैटर्न अच्छा था। जब कोई अभ्यर्थी परीक्षा देकर आता है, उसका कहना ये होता है कि पेपर का पैटर्न अच्छा है और उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे हम पेपर के पैटर्न को मॉडरेट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार इस परीक्षा को लेकर प्रिपरेशन की थी। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरी भर्तियों को लेकर भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कहने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न को एक लाइन में, तो मॉडरेट टू टफ देखने के लिए मिला है। इजी तो होता ही नहीं, आप जानते हैं। ये बात हो जाती है पेपर के पैटर्न के बारे में। अगर बात की जाए उपस्थिति क्या देखने के लिए मिली, तो इस बार भी अगर बात की जाए सभी कक्षाओं के अंदर लगभग 3 से 4 एवरेज स्टूडेंट यहाँ पर अब्सेंट थे। किसी किसी के अंदर 5 या 6 भी देखने के लिए मिले हैं। ज़्यादातर जब छात्रों से पूछा गया कि कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे, तो उन्होंने बताया कि हमारी क्लास के अंदर 3 या किसी में 4 या किसी में 5 तक देखने के लिए मिले हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि परीक्षा के अंदर हर क्लास में से लगभग 4 या 5 स्टूडेंट यहाँ पर अब्सेंट पाए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा उपस्थिति आपको देखने के लिए मिली है। तो इसको लेकर अगर मैं आपको ये कहूं कि 4 से लेकर 4.25 लाख के बीच में अभ्यर्थियां उपस्थित हुए हैं, तो वो ठीक होगा। अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ भी यहां पे आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगी। अब देखना ये होगा कट ऑफ को लेकर, जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, सभी अभ्यर्थी आकर अपने अपने क्वेश्चंस को मिलाएंगे और उसके बाद में अपने नंबर बताएंगे, तो आपके कितने नंबर बने हैं पहले तो कमेंट करके बताएं। फिर सभी अभ्यर्थियों का डाटा कलेक्ट करने के बाद में कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, और उसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में कि आखिर कितना कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा इस बार पीसीएस को लेकर। अगर बात की जाए आंसर की के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आजकल परीक्षा होने से पहले ही आंसर की तैयार कर ली जाती हैं, और जैसे ही परीक्षा होकर संपन्न होती है, उनके माध्यम से अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आपके सामने आंसर की भी डाल दी जाती हैं। पिछली बार जब अगर बात की जाए 2021 में 24 अक्टूबर 2021 को परीक्षा देखने के लिए मिली थी, तो उसके अंदर इसकी जो आंसर की थी वो 3 दिन के अंदर अंदर जारी कर दी गई थी। तो इस बार भी आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ऑफिशियल आंसर की का, और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें आपके कितने टोटल नंबर बन रहे हैं, उसके आधार पर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। बाकी आपकी राय क्या है पेपर के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।